मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज है सैटरडे, हाँ आज है सैटरडे। तो आज मैंने सोचा सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, और मेरा कुकर भी आप लोगों से कुछ कहना चाहता है, ये वो भी वेलकम कर रहा है आप लोगों का कि वेलकम है आपका हमारे व्लॉग चैनल पर। तो आज है सैटरडे और मनीष ने बोला है कि चल आज घूमने का प्लान बना लेते हैं। भी जाने का प्लान बनता है तो 80% उसके कैंसिल होने के चांसेस रहते हैं कि नहीं ये चल छोड़िया नहीं जाते, 20% ही हम जा पाते हैं। तो वो कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, बच्चों के साथ तो ये लगा ही रहता है। और देखो हर जगह से लाइट आ रही है, हर जगह से लाइट आ रही है, क्योंकि सुबह सुबह सारे कर्टेंस मैं खोल देती हूँ, खुला खुला अच्छा लगता है, हवा आती है ठंडी ठंडी। बंद बंद में भी मुझे सुबह पूरे कर्टेंस खुले रखने की आदत है, मतलब पूरे कर्टेंस खोल दो बस, हर जगह से लाइट आनी चाहिए और रात को एक भी जगह से मुझे अंधेरा नहीं दिखना चाहिए, सब कर्टेंस बंद कर देती हूँ मैं। इसलिए मैंने किचन में भी लगवाया, वरना किचन में कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, पर वो बस आदत आदत से मजबूर। आलू के पराठे बनाऊँगी अगर हम जाएँगे, वैसे भी मैं आलू के ही पराठे बनाऊँगी जाए ना जाए, पर अभी जब मनीष ने बड़ी मुश्किल से, मैं 2 महीने से व्लॉग बना रही हूँ, हाँ 2 महीने पहले मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था मार्च में, तो तब से लेके अब तक हम कहीं घूमने नहीं गए हैं। तो मतलब मैं इतनी बिजी हो चुकी हूँ व्लॉगिंग में, वरना ना मैं उनका दिमाग खाती रहती थी, यार आप तो मुझे घूमने भी नहीं ले जाते हो, हम तो घर में ही बैठे रहते हैं। तब से उन्हें थोड़ा ये है कि मैं पीछे नहीं पड़ी रहती उनके, वरना पहले तो मैं उन्हीं के पीछे पड़ी रहती थी। अभी बड़ा हो रहा है, बच्चे को भी फील होता है कि भाई बच्चे घूमना है फिरना है, बच्चे को हम बाहर ही नहीं लेके जाएंगे तो वो हम उसको अंदर ही अंदर रख लेंगे, कूलर में रख लेंगे, एसी में रख लेंगे, पर बाहर का जो एनवायरनमेंट है, बाहर का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसकी उसे फिर वो आदत कैसे पड़ेगी। मतलब अभी पहले तो मैं उसको बिल्कुल नहीं खेलने देती थी बाहर, फिर भी मुझे सब लोगों ने टोका कि इसको बाहर जाने दिया कर, मिट्टी में खेलने दिया कर, तो ये ठीक हो जाएगा। मैं डरती थी कि भाई बीमार ना हो जाए, क्योंकि ये बचपन से बहुत ज़्यादा बीमार होता था, मतलब हर दूसरे दिन इसको या वॉमिटिंग हो जाती थी या कोल्ड कफ हो जाता था या फीवर हो जाता था, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। पर टचवुड अभी 1 साल से मैं उसको बाहर छोड़ देती हूँ। सामने जो आंटी है उनके घर में एक प्लॉट खाली है, तो वहाँ पे उन्होंने वो सब्जी उगाई रहती है, तो वो लोग वहाँ पे जाके खेलते रहते हैं आध्या और सारांश। तो मतलब ठीक है छोड़ देती हूँ मैं, 1 घंटा भाई खेल लो मिट्टी में, क्योंकि बोलते हैं ना मिट्टी की, मिट्टी में खेलने से भी बहुत ज़्यादा बच्चे स्वस्थ बनते हैं, हेल्दी बनते हैं। पहले के लोग इसीलिए फिट एंड फाइन रहते थे क्योंकि वो लोग मिट्टी में ही ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते थे, पहले ऐसे घर नहीं होते थे। मेरी नानी और का घर भी था जो मैंने देखा है, दादी और का भी, सब मिट्टी के ही रहते थे, गोबर से लीपते थे, तो मतलब वो टाइम भी बहुत अच्छा था अपना, सही था। पर अब तो अब किसी का नहीं है, सबके सीमेंटेड घर बन गए हैं, तो मिट्टी बहुत कम मिलती है खेलने के लिए बच्चों को आजकल के, तो इसलिए मैं उसको छोड़ देती हूँ, भाई तू जितना खेल सकता है खेल ले, और वो खूब खेलता है खुश रहता है, तो मतलब शाम को 1 घंटा तो मिट्टी में खेलने में निकाल देता है। तो अब मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा थोड़ा धूप में भी लेके जाऊँ, क्योंकि अब स्कूल भी जाएगा, जुलाई में जाएगा, अगस्त में जाएगा, तो तब भी इतनी मतलब धूप तो रहती ही है, गर्मी तो रहती ही है तब भी, तो बीमार पड़ने का डर रहता है। जितना हम बच्चे को केयर करेंगे, जितना हम बच्चे को इन चीज़ों से दूर रखेंगे, धूप मिट्टी बारिश, उतना ही बच्चे बीमार पड़ते हैं। फिर मैंने तो ये चीज़ देखी है, जितना आप अपने बच्चे की केयर करोगे ना, जितना आप उनको संभाल संभाल के रखोगे, उतने वो बीमार पड़ते हैं, जितना आप फ्री छोड़ दोगे उतना वो सही रहेंगे। अब मैं ज़्यादा अपने बारे में भी नहीं बताऊँगी, क्योंकि भाई कुछ सिखाने वाली चीज़ें करनी चाहिए, पर मेरे हिसाब से मैं अपने व्लॉग्स में सब सिखा रही हूँ, मतलब मैं कौन होती हूँ सिखाने वाली, मैं कोई नहीं हूँ सिखाने वाली, पर व्लॉग्स यही होता है, हम डेली लाइफ में जो भी कर रहे हैं या डेली लाइफ में जितना जो करते हैं वो दिखाते हैं। तो डेली लाइफ में मैं क्लीनिंग करती हूँ घर की, कुकिंग करती हूँ, बच्चे को देखती हूँ, मतलब सारांश को देखती हूँ, मतलब जो भी करती हूँ वो सब दिखा ही रही हूँ। तो इसमें अब और मुझे तब पता चलेगा ना मुझे क्या बताना है, जब आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे हाँ इस पे बना दो या ये चीज़ वो चीज़। वैसे तो मुझे जितना समझ में आता है उतना मैं बना देती हूँ। तो ऐसा है कि शुरू शुरू में पता भी नहीं चलता है, पर उस हिसाब से भी मैंने काफ़ी यूज़फुल वीडियोस भी बनाई हैं आगे। पर ब्लॉगिंग में तो मुझे ऐसा ही लगता था कि भाई डेली लाइफ में जो हम क्लीनिंग कुकिंग जो भी कर रहे हैं वो शेयर करते हैं, मेरे हिसाब से यही होता है।
और सिखाने वाली तो खैर मैं कोई होती ही नहीं हूँ किसी को भी, तो मुझे ही बहुत कुछ सीखना है अभी आप लोगों से। तो YouTube पे मैंने पहले भी बोला था, YouTube पे आके ऐसा हुआ है कि बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम घर ही घर में एक अपनी दुनिया में रहते हैं कि हाँ भाई हमें सब कुछ आता है, पर जब हम बाहर जाते हैं ना, फिर देखते हैं हम कि कितनी आगे जा चुकी है दुनिया, सबको कितना कुछ आता है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है इस हिसाब से। तो मतलब बहुत मज़ा आता है जब अपने सामने इतने सारे टैलेंट को देखते हैं, किसी में कुछ किसी में कुछ, तो बहुत कुछ सीखना है लाइफ में। तो अब मैं करती हूँ काम फटाफट से, झाड़ू पोछा और नाश्ता, और फिर उसके बाद अगर कुछ प्लान बनेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। आप लोग तो साथ में चलोगे तो अगर कुछ प्लान बनेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। हो सकता है हमारा देहरादून का ही प्लान बने, पल्टन बाजार जाने का बहुत मन है मेरा, क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी है दो चार, तो मैं सोच रही हूँ वहीं से ही लूँ। पर अगर मैं वहाँ नहीं गई तो फिर मैं जब अपने मायके जाऊँगी हरियाणा में तो वहीं से लूँगी, क्योंकि मैं मोस्टली 90% चीज़ें वहीं से ही लाती हूँ। यहाँ मतलब जाती हूँ जब मुझे वहाँ जाना बहुत दिनों में होता है और बहुत ज़रूरी मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, वरना मैं वहीं से लेके आती हूँ क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ठीक मिलता है, और मिलता तो यहाँ पर भी ठीक है, पर वहाँ पर शुरू से मैं रह रही थी तो वहाँ पर अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है ना। अब यहाँ पे मैंने जो भी बर्तन छोटे मोटे चाय पानी के थे वो सब धोने के लिए निकाल लिए हैं, और जो रैक में थे रात के वो भी निकाल के साइड में कर लिए हैं, और रैक को एक बार साफ़ कर दिया है। सुबह बर्तन धोने से पहले एक बार रैक को साफ़ कर दो तो डेली के काम बच जाता है। तो मैं रोज़ बर्तन धोने से पहले उसको एक बार क्लीन कर लेती हूँ ताकि साफ़ सुथरा दिखे बिल्कुल। और अब मैं आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ तो उसकी तैयारी करती हूँ। उससे पहले मुझे स्लेट बिल्कुल क्लीन चाहिए, रात को भी करी थी पर होता है ना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, तो जितना टाइम से काम करते रहो उतना अपने लिए सही है। और स्लेट मैंने क्लीन कर ली है और उसके बाद जो भी छोटा मोटा इधर उधर पड़ा हुआ है वो सब समेट लिया है, बर्तन सब लगा दिए हैं जो भी रात के धोए थे। तो फिर उसके बाद मैं धनिया और मिर्च को अलग अलग कर रही हूँ। मैं धनिया लेके आई थी, 3-4 दिन वो ऐसे ही रखा रहा, मैं भूल गई उसको स्टोर करना तो पीला पीला हो गया, इसलिए हरे हरे छांट के मैंने अलग रख लिए हैं, क्योंकि पराठों में धनिया का टेस्ट, धनिया तो हर चीज़ में अच्छा लगता है, पराठे क्या और सब्जी क्या। तो धनिया मैंने निकाल के अलग कर लिया है, हरे हरे जो भी पत्ते थे। और मिर्च भी मैंने इस बार थोड़ा लेट स्टोर किया है, वरना मैं जब भी लेके आती थी सब्जी तो मिर्च साथ साथ ही स्टोर कर लेती थी एयरटाइट बॉक्स में, तो वो भी मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि आज मनीष की छुट्टी है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है नाश्ता बनाने के लिए, इसलिए आराम आराम से कर रही हूँ। और दीदी भी किसी काम से ऊपर आए थे तो आध्या और सारांश दोनों खेल कूद कर रहे हैं और दीदी में अपनी बातें। यहाँ पे दोनों बच्चे गढ़वाली गाने पे डांस कर रहे हैं। हमारे घर में मोस्टली गढ़वाले गाने ज़्यादा बजते हैं क्योंकि उसमें इसका म्यूज़िक इतना अच्छा रहता है कि जो नॉर्मल इंसान खड़ा वो भी खड़ा खड़ा थिरकता रहता है। तो हमारे बच्चों को भी गढ़वाली गानों पे नाचने की आदत है, वैसे तो सभी गानों पे कर लेते हैं पर मोस्टली जो सुनते हैं ना उसकी फिर आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पे बीच बीच में उन्हें भूख भी लग रही है तो कभी बिस्किट मांगने आ रहे हैं, कभी टॉफ़ी मांगने आ रहे हैं। और सारांश तो देखो अब छेड़खानी करना स्टार्ट कर दिया है, उसको ये लग रहा है कि स्पीकर को छेड़ूँ, कभी आवाज़ कम कर रहा है कभी तेज़, और इसको कैमरे के पास आना है, वो बार बार आके चेक कर रही है मैं कैसी लग रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ पे दोनों बिस्किट मांग रहे हैं इस टाइम पे। आलू मैंने मैश कर लिए हैं पराठे बनाने के लिए, आज पराठे ही बनाऊँगी। और ये मैंने हरी मिर्च एयर टाइट बॉक्स में, इनकी जो पीछे डंडी होती है वो तोड़ तोड़ के यहाँ पे डाल ली है। अब ये 1 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, वैसे तो ये यूज़ हो जाएंगी 2-3 दिन में ही, पर जब भी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लाती हूँ तो उनको एयर टाइट बॉक्स में वो कर लेती हूँ, रख लेती हूँ। और धनिया भी लाई थी मैं मिर्चों के साथ, पर मुझे याद ही नहीं रहा, 2-3 दिन से वो पीले हो गए उसके पत्ते, तो जितना निकला मैंने निकाल लिया क्योंकि पराठों में हर चीज़ में टेस्टी लगता है धनिया। तो अब डालूंगी उसमें मैं, और 4 मिर्च निकाल लिए पराठों में डालने के लिए। यहाँ पे मैंने आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, 2-3 हरी मिर्च काट ली है, 2 प्याज काट लिए हैं, और थोड़ा सा धनिया जो मैंने निकाला था वो काट लिया है, थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी है, नमक सेंधा नमक लाई थी इसलिए उसमें थोड़े डले डले से रहते हैं, उसको बहुत देख के डालना पड़ता है क्योंकि अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो कहीं डला आएगा कहीं फिर टेस्ट ऐसे ख़राब हो जाता है मुँह का। बाकी ये मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है,
अब मैं फटाफट से पराठे बना लूँ, क्योंकि जब दिन में भी लंच करना हो तो सुबह हैवी खाते हैं तो फिर जल्दी कर लेना चाहिए। तो इस टाइम पे 9:15 बज रहे थे, तो मैंने कहा फटाफट से खिला देती हूँ, क्योंकि दिन में फिर दाल चावल तो बनते ही बनते हैं, तो इसीलिए। और बाहर वो दोनों बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब पराठा आएगा। हेलो, मैं आ गई वापस। मैं कहीं गई नहीं थी, प्लान पूरा पूरा था, पर हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, प्लान फ्लॉप हो जाता है। पर चलो कोई बात नहीं, मेरा ये मानना है कि जब भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। प्लान कैंसिल हुआ है तो अच्छे के लिए ही हुआ होगा, क्या पता हम घूमने जाते तो कुछ भी, मतलब सोच सकते हैं ना, पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए हर चीज़ में। तो मैंने इसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ ली है कि नहीं गए हैं तो क्या पता अच्छे के लिए ना गए हों, ये सोच के फायदा, बुरा बुरा सोच के क्यों अपना खून फुकाना। तो चलिए फिर, अब मैं दिन में 1 बज रहा है दिन का, और अभी मैंने दाल तो चढ़ा दिया है, अरहर मलका की दाल मैं बना रही हूँ, वो मेरी उबल चुकी है, उसमें मैंने टमाटर काट के पहले ही डाल दिए थे। तो अब मैं चावल चढ़ाती हूँ और एक साइड में तड़का लगाऊंगी, फटाफट से खाना बन जाएगा, फिर बैठ के आराम से बातें करेंगे। मैं चावल चढ़ाने जा रही हूँ, तो चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, ये अपना खाने पीने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लंच बनने से पहले पहले एक दो चीजें ये खा ही लेंगे काट पीट के। और मैंने बोल रही थी चलो यार, इतनी कड़क हो रही है ना बाहर की, जाओ तो अगर 5 मिनट खड़े हो जाओ पापड़ बन के अंदर आएंगे। हो गए हैं 1.5 दिन के और खाना मेरा बन चुका है, दाल चावल मैंने बना लिया है, बस अब सलाद काटना है, खीरा और प्याज। मनीष तो खाते ही थे सलाद, पर सारांश को भी आदत पड़ चुकी है, वो भी बिना प्याज के अब खाना नहीं खाता, ऐसा हो गया है वो। पर हेल्थ के लिए सही रहता है प्याज, कच्चा प्याज, इसलिए मैं दे देती हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब बस सलाद काटना है मुझे, रायता बनाना नहीं है क्योंकि दही ये खाते नहीं है, खाते तो थे पर आजकल इन्होंने छोड़ रखी है दही, पता नहीं इनके भी मूड का कुछ पता नहीं चलता, कभी दही खानी होती है कभी नहीं खानी होती है। जब घर में, ये तो सबके साथ होता होगा, जब घर में चीज़ नहीं होती तब उसी चीज़ को खाने का मन करता है, और जब होगी तो वो ऐसी ही वेस्ट होती रहेगी पर खानी नहीं है, जब ख़त्म हो जाएगी फिर मन करेगा हाँ यार वो भी तो था, वो खाना है। होता है मोस्टली मेरे साथ भी ऐसे होता है, इनके साथ भी। अरांश को मतलब पता नहीं क्या बड़े वाली फीलिंग आ रही है, कभी कभी वो बोलता है मम्मा मैं दादाजी बन गया हूँ, मैं दादाजी हूँ। कभी वो बोलता है मम्मा, जब वो स्कूल के लिए तैयार होता है तो शर्ट पहनता है तब वो बोलता है मम्मा मैं अंकल जी हूँ, कभी बोलता है मैं नाना जी हूँ, और अब वो मुझे और अपने पापा को अपनी गोद में लिटा लिटा के ऐसे हाथ फेरता रहता है सिर पे, तो बड़ा अच्छी सी फीलिंग आती है जब आपका बच्चा ऐसे कुछ हरकतें करे, मतलब बहुत क्यूट क्यूट सी फीलिंग आती है। क्या कर रहे हो आप? कुछ कुछ तो कहते हो यार। यार वो ढकले। क्या रहा ढकले? वो देखो उनका मुंह ढक रहा है। आज आप स्कूल नहीं गए?
छुपा दूंगा। तो फिर चलिए चलते हैं, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो अगर कहीं गए तो शाम को मैं व्लॉग बनाऊँगी, नहीं तो फिर कल बनाऊँगी। तो चलिए फिर, अगर वीडियोस अच्छी लगें तो मेरे चैनल को लाइक, चैनल को नहीं, वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर।